लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डालने वालों में फिल्मी सितारे भी शामिल रहे। मलयालम अभिनेता फहद फासिल अपने फिल्म डायरेक्टर पिता फाजिल के साथ केरल के अलापुझा में वोट डालने पहुंचे। अभिनेता और निर्माता टोबिनो थॉमस ने केरल के त्रिशूल जिले में वोट डाला। केजीएफ सीरीज में अपने काम के लिए जाने जाने वाले एक्टर यश ने बेंगलुरु में वोट डाला। कर्नाटक की 28 सीटों में से 14 सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। एक्टर अक्षत शेट्टी ने उडुपी में वोट डाला। एवरी टाइम देयर इज इलेक्शन वी यू नो गो बैक एंड सी व्हाट्स हैपेंड इन लास्ट 5 इयर्स एंड व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट 5 इयर्स फ्रॉम द कमिंग 5 इयर्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी सिलेक्ट द बेस्ट लीडर हु कैन लीड अस टू द ड्रीम व्हाट वी हैव फॉर आवर कंट्री और फॉर द प्लेस यू नो वी बिलोंग टू एंड या ऑन दैट बेसिस आई थिंक आई हैव अभिनेता प्रकाश राज ने भी बेंगलुरु में लाइन में लगकर मतदान किया। I have voted against hate. I voted against dividing the country. I have voted for a good manifesto and a good representative from my constituency. It is your right and your power to choose the one who is going to be your voice in the parliament. Parliament elections is very important because the 500 plus parliamentarians of this country are the ones who are going to make laws for our future, for our children. So it's very, very important, especially to the first time voters. Please come out and vote. अभिनेता आशुतोष राणा ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में महाराणा प्रताप वार्ड के बूथ पर मतदान किया। मेरा अपना ये मानना है कि हम सबको जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो लोकतंत्र का मताधिकार का जो अवसर मिला है तो ये सर्वाधिक सबसे बड़ा श्रेष्ठतम वरदान माना जाता है। तो निश्चित रूप से आप राष्ट्र में देश में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, खास करके जब ये आज की तारीख में जब मतदान हो रहा है तो हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके द्वारा आपके लिए ही निर्मित आपका ही तंत्र है। दूसरे चरण में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में वोट डाले गए।